जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजीव रंजन का दिल्ली में देर रात निधन हो गया। पेट में दर्द उठने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। राजीव रंजन के बेटे ने यह जानकारी दी। बताया जाता है कि जदयू के नेता और पूर्व विधायक राजीव रंजन की शाम को तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। राजीव रंजन 2010 में इस्लामापुर से विधायक चुने गए थे। राजीव रंजन जदयू में दोहरी भूमिका निभा रहे थे, एक राष्ट्र प्रवक्ता की और दूसरी राष्ट्रीय महासचिव की। नीतीश कुमार ने उन्हें 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अचानक निधन से पार्टी के लोगों को बड़ा धक्का लगा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे पुराने साथी राजीव रंजन जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई नेताओं ने शोक जताया है। नीतीश कुमार ने राजीव रंजन के निधन को पार्टी के लिए क्षति बताया। वहीं स्पीकर नंद किशोर यादव ने भी राजीव रंजन सिंह के निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय रंजन साल 2010 में इस्लामापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बनाया गया था। काफी दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद साल 2023 में वे फिर से जदयू में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता बना दिया। स्वर्गीय रंजन ने साल 1995 में समता पार्टी के टिकट पर इस्लामापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण भल्लभ प्रसाद यादव से पराजित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से किनारा कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया और काफी दिनों तक झारखंड और छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहे। इसके बाद नीतीश कुमार के आग्रह पर पुनः राजनीति में चले आए और 2010 में विधायक निर्वाचित हुए। स्वर्गीय रंजन के पिता रामशरण प्रसाद सिंह जाने माने कांग्रेसी नेता थे। वे प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालते थे। इसके अलावा राजीव रंजन जी के ससुर विधेश्वर प्रसाद भी केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। उनके निधन से नालंदा जिला के राजनीतिक गलियारों में शोक का लहर व्याप्त हो गया है।